हाँ तो भाई अपना राजेश भाई आ गया है। हालांकि अब की तूफान में काफी डालें फट गई थी। सबसे पहले गाड़ी हमारी यही थी, सन 2002 में लाए थे। राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई आज हमारी गाड़ी भाई लेके गया हुआ था, हालांकि ऑप्शन आई थी भाई रिटर्न की बुकिंग थी, लेकिन भाई को गाड़ी की जरूरत थी तो बुकिंग हमें कैंसिल करनी पड़ी। कैंसिल करने के बाद कोई काम था नहीं तो आ गए अपने प्लाट पे। प्लाट पे भाई देखो बन के तैयार है, देखो पुट्टी वगैरह हो रही, कलर वगैरह ये देखो कर दिया है। अभी इधर की जो है अभी यहाँ पर बाउंड्री अपनी खड़ी हो रही है, ये जो है बंद कर दिया जाएगा, खिड़की वगैरह बना दी जाएगी और ये पीछे भी अपनी जगह इधर पड़ दीजिए, ये सब पीछे अपनी अपने सामने से। और ये देखो पूरा हाल ऐसे ही जाएगा। हमें तो किराए पर उठाने के लिए जो है अस्पताल में बनेगा, बातचीत हो चुकी है, एडवांस भी आ चुका है। अब शायद अगले महीने से इसमें जो है वो लोग अपना आ जाएंगे, फर्नीचर वगैरह अपना बनवाएंगे। हमने खाली हाल बनवा लेना था, ये बना हुआ है जीना, ठीक है। और इसके नीचे भी एक है जो कि किराए पर नहीं होगा, वो अभी अपना ऐसे ही चलेगा। और ऊपर मिठू दिखाओ फुट की खींच रहेगी। काम चल रहा है, देखो भाई ये छिट्टे वगैरह डालनी है, क्या कंडीशन कर दी है। इस वजह से हम ऊपर नहीं गए, हमने कहा तुम ऊपर दिखा दिया, पिताजी ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपना देख सुन रहे हैं, अपना कराते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को तो गाड़ी घोड़ा काम है, छुट्टी जल्दी मिलती नहीं है। और कभी कभार जैसे कि आज छुट्टी मिली है इमरजेंसी में, ऐसी छुट्टी मिलती है तो पिताजी इस समय फ्री रिटायर हो चुके हैं, तो अपना यही सब कराते धराते रहते हैं। ये देखो इसके नीचे भी एक है जो कि अपने लिए रखेंगे उसको, हम अपना जो है किसी को रहना रहना हो, हालांकि गांव में इतना बड़ा घर बना है जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है भाई कभी चैनल में पड़ा होगा तो शॉप वगैरह बनाने के लिए। हाँ तो भाई अपना राजेश भाई आ गया है, इसी की है गाड़ी, देखो हाय बाय बोलने लगा, बोल दे जो भी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करे भैया। हाँ दोस्त है हमारा भाई, हम लोग को जाना है बारात कितनी 28 तारीख को, तुम तो पहले निकल जाओगे भाई, बारात जाना दोस्त की और ये पहले निकल जाएगा क्योंकि मंजवानी यही है। और हम जाएंगे शाम को, अभी हम सिंहपुर में खड़े हैं, देखो अपनी मार्केट में दिखाओ, वो दुकान हमारी बन रही सामने, तो भाई यहीं खड़े हुए थे तो राजेश हमें दिख गया, तो हमने चलो इससे कुछ बातचीत कर ली जाए, क्योंकि आज तो हम गाड़ी चला नहीं रहे हैं। कल कितने काम किया था बताओ जरा? तीन काम किए थे, 3000 कैसे? ऊबर से लखनऊ, भाई ऊबर से देखो लखनऊ जाता है बताता भी नहीं है, इस तरह का हिसाब किताब है, समझ रहे हो? तो हमसे पूछेगा भैया तुम कहाँ गए हो, इलाहाबाद गए थे तो कितने बजे वापस आए हो, सारी डिटेल मांगता है, अपना कुछ नहीं बताता है। तो कल इसने 3000 रुपये कमाए भाई, CNG हटा के CNG उसी में लगा, अरे 2000 तभी बची, 1000 CNG नहीं निकाली दो तभी 2000 की बचत हुई है, हालांकि हमसे तो कम ही रहा यार, हमारा तो बहुत अच्छा हुआ था, इसका तो फिर भी उससे कम हुआ है। तो क्या है कि अभी ये जा रहा काम करने भाई, तो हमने कहा चलो इसके साथ एक वीडियो छोटी सी बना ली जाए। इसकी गाड़ी दिखा दो जरा, ये देखो इसकी गाड़ी भाई, अभी क्या है जाएगा सारा दिन काम करेगा, कितने की अपडेट होती, क्योंकि हमारी गाड़ी तो आज है नहीं, इसको जाने देंगे 4 पैसे कमाएगा ये, और कमा के आएगा फिर बताएगा भाई ब्लॉग में डालेंगे अपने। ये भी बहुत पुराना ड्राइवर है, जमाने से हमारा साथी है, बहुत दिनों से गाड़ी चला रहा है, लेकिन क्या है कि मन मौजी है, ओला इसको काम देती नहीं और ऊबर का काम छोड़ता नहीं भाई, ये जब भी जाता है ऊबर से ही राइड लेके जाता है, वो हमें ओला पसंद है या फिर प्राइवेट। अब कल जैसे कि प्राइवेट गए थे, आज ओला ने दी थी रिटर्न बुकिंग, अभी भी मोबाइल में पड़ी हुई है, अभी उसको हम कैंसिल करेंगे। अब कैंसिलेशन तो वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कैंसिल करके देखेंगे, शायद 70-71 रुपये देता ना ऐसे ही। और भाई इस समय डिवाइस हम लोगों की बहुत ऑफ कर रहा है, जो भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ज़्यादा पास करेगा या कैंसिल करेगा तो उसकी डिवाइस कहीं 3 घंटे के लिए बंद कर देगा, दोबारा करोगे तो भाई 1 दिन के लिए कर देगा, और भी फिर भी नहीं सुधरे तो 1 महीने 1 हफ्ते के लिए भी बंद कर सकता है, या फिर ऑल टाइम के लिए भी आपको ब्लैकलिस्ट डाल सकता है। तो आप लोग सोच समझ के भाई गाड़ी चलाइएगा, कम से कम कैंसिलेशन कीजिएगा। आज की जो है हमारी ज्ञान वाली बात यही है
कि कैंसिलेशन कम से कम ओला और उबर दोनों में, क्योंकि ओला की आईडी बंद करेगा तो एक दो दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, लेकिन उबर ने बंद की तो भाई हमेशा के लिए बंद की, और फिर भी खुल जाती है। उसका तरीका ये है कि भाई आपको गुड़गांव दिल्ली जाना पड़ेगा हेड ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको अपनी आईडी खुलवानी पड़ेगी, किसी का इतना समय है नहीं। हाँ तो भाइयों, आज जैसा कि आपको पता है भाई हमारी गाड़ी ले गई, आज हमारी छुट्टी, आज हम फुल इंजॉय कर रहे हैं भाई भैया खेतों में जामुन खाने के लिए। ये देखो जामुन का पेड़ है, पकना भी स्टार्ट हुआ है, देखो देखो नीचे पड़ी हुई है जो कितनी मस्त मस्त है, तोड़ के दिखाते हैं तुमको। और इसमें जो है ये फलेदा जामुन है भाई, ये देखो अभी हमारे यहाँ बारिश हुई नहीं है तो क्या कि इसका साइज अभी छोटा है, अभी जब बारिश वगैरह होगी ना तो यही पक के काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी। ये देखो बारिश ना होने के कारण देखो अमरूद भी अभी सूख रहा है, और ये भैंस के लिए चारा है, करबी है, करबी भी इसे अभी खड़ी है, पानी वगैरह लग गया है, और इसमें जुंडी बो दी गई है बारिश वाली, खेतवा के जुतवा के खेत। तो भाई देखो जामुन कितनी कितने नीचे नीचे हैं, बड़ा छोटा सा भी बच्चा तोड़ ले ये समझ लो, देखो कितनी पके हुए, देखो कितनी मस्त है, ज़बरदस्त है, देखो भाई कितना मस्त पेड़ है। ये डाल फट गई थी, बारिश वगैरह हो तो अच्छे से पकना स्टार्ट हो। ये देखो भैंस का चारा खड़ा है जिसको करवी बोलते हैं, ये भी जो है पानी लगा रहे हैं तो हरी है, पानी लगाना बंद कर देंगे तो ये भी जाएगी सूख। तो अभी क्या है अपन लोग फटाफट खाते हैं जामुन, खाने के बाद फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि धूप हो रही है और भी बहुत सारे काम हैं। तो अभी क्या है जामुन खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अमरूद तो अभी आए नहीं है, बहुत छोटे छोटे से हैं, अभी जब बारिश वगैरह होएगी उसके बाद ही जो है ये बड़े होंगे फिर पकेंगे। ये देखो जामुन का पेड़ था, तो ठीक है चलते फिर। तो भैया आज बैठे हुए वैन में हम लोग, हाँ वो बच्चू भैया ड्राइवर हमारे, और सबसे पहले गाड़ी हमारी यही थी, सन 2002 में लाए थे वैन गाड़ी, वो आज हमारा यही गाड़ी रिंकू भाई चला रहा है। ये देखो ये तो भाई गाड़ी अपने भाई लेके गया हुआ है, भाई को बुला लिया था, हालांकि इसको भी शादी में जाना है अभी, लेकिन वो जाएगा थोड़ी देर के बाद, अभी इसके पास समय है तो हम लोग घुमा रहा है, तो हम लोग ये मौसम अच्छा है तो अपना घूम रहे हैं, उसको इसको छोड़ देंगे, ये अपना चला जाएगा शादी बारात में, तो हम लोग अपना यही पास में गाँव पड़ता पीछे इधर यहीं से अपना घर निकल जाएंगे। तो ठीक है भाई अब गाड़ी करते हैं वेट, देखते हैं भाई हमारा कितने बजे गाड़ी लेके आता है, उसके बाद फिर मैं अपना, हालांकि दो राइड हमारी आ चुकी हैं, स्क्रीन शॉट लगा देंगे देख लेना लखनऊ की दोनों ही, लेकिन गाड़ी ना होने के कारण दोनों ही कैंसिल हो गई क्योंकि इमरजेंसी में उनको तुरंत निकलना था, तो गाड़ी ना होने के कारण हम जा नहीं पाए, कस्टमर देखा कि गाड़ी बढ़ नहीं रही है इसलिए उसने कर दिया कैंसिल। तो ठीक है प्यारे भाइयों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तो सभी भाइयों राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओके बाय।